जिला जवार में केहू के पते नहीं। एक 18-20 साल का लड़का आया, बोला मैं 4 साल से आपको पसंद करता हूँ मैडम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अरे लाइक बेटा फोटो ले लो और जाओ देश की सेवा करने पे ध्यान दो यार। लड़का ऐसे लेटा हुआ तो रोड पर आसमान की तरफ देखते हुए, तो गाड़ी उसके थोड़ा पहले रोकी गई, हम लोग उतरे। मैं बोला भाई क्या हुआ, आप लोग सेल्फी दीजिए मुझे। अच्छा तो ऐसे रोड पे क्यों लेटा? बोलता नहीं अगर सेल्फी नहीं देंगे तो आप लोग को मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। मुझे स्कूल में पहला प्यार हुआ था 5th या 6th स्टैंडर्ड में। जल्दी नहीं हुआ, अब लड़का ही इतना प्यारा था। अच्छा। क्या किया जाए, फिर एक कोरियोग्राफर ने मेरे अपने टैब पे अजय देवगन की एक ऐसी फोटो जूम करके रखी हुई थी, एंड लुक एट द फोटो और मैं एक्सप्रेशंस दे रही थी। पवन सिंह स्कैरी समटाइम्स। ऐसा क्यों? अरे ये कभी कभी आते हैं और पंडित जी का हाल बा, मैं ही डर जाती हूँ, मुझे ही ग्रीट कर रहे हो, मैं डर जाती हूँ। हाँ ठीक है, आप ठीक हो ना? ओके। दिनेश जी के मन में भी लोगों के लिए अच्छा चलता है और उनकी जबान पर भी लोगों के लिए अच्छा। जिला जवार में त्यो के पते नहीं थे। जिला जवार में केहू के पते नहीं, केहू के पते नहीं थे, मतलब जिला जवार में किसी को पता नहीं था। आप सोचते हैं मैं भोजपुरी क्यों बोल रहा हूँ। आम्रपाली की दादी ने उनसे बात कही थी कि भैया तुमको कोई जानता नहीं है, ठीक है, और उस वक्त वो सीरियल्स कर रही थी और बड़े हिट सीरियल्स कर चुकी थी, ठीक है। अब आप कहेंगे दादी ने ऐसा क्यों कहा था, आप बताइए क्यों कहा था। एक्चुअली मैं मैंने अपना करियर बहुत ही यंग जब मैं थी तभी स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज आई हैड दिस फीलिंग कि मुझे ये करना ही है पहले से, बचपन से। तो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ जूनियर आर्टिस्ट फर्स्ट, यू नो, जो क्राउड पासिंग करते हैं वो, वहाँ से करते करते आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। फाइनली एक ऑडिशन क्लिक हो गया और मुझे सीधा मेन लीड का रोल मिल गया। मतलब एक दो कैरेक्टर रोल्स किए मैंने, उसके बाद एक मुझे सीरियल मिल गया जिसमें मैं मेन लीड प्ले कर रही हूँ। एंड वो दौर था ऐसे शोज़ का, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है और सात फेरे और ये सारे सीरियल आ रहे थे, तो हाई हाई टीआरपीज आती थी सब शोज की। बहुत ज्यादा उस वक्त सीरियल्स का जो क्रेज था वो नेक्स्ट लेवल, मतलब शायद पीक था। या इट वाज अ मतलब पीक था। अभी तो खैर सीरीज और इतना सब होने की वजह से टेलीविजन सीरियल्स पे इतना ध्यान नहीं देते लोग, और मेरे पूरे खानदान में कोई एक्टर नहीं मेरे अलावा। डॉक्टर थे ना आप, खानदान आपका? मेरे मेरा फैमिली हमेशा बिजनेस या जॉब ही किया है मेरी फैमिली ने, और मेरे नाना साइड ऑफ द फैमिली का उनका प्रॉपर्टी और होटेलियर है वो लोग, वो सब सारी चीज़ें। किसी ने एक्टिंग पे कभी ध्यान नहीं दिया, किसी को कोई सपने में भी नहीं सोचा था कि एक्टिंग कर सकते। तो मैं एक्टर बन गई तो मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात थी कि यार मैंने ऐसा कुछ अचीव किया जिसकी वजह से ना पीपल शुड बी प्राउड ऑफ मी, एस्पेशली माई फैमिली। दादी 18 घंटे शूटिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है, लिटरली ये नौबत है कि अगर मैं बेहोश भी हो जाऊँ तो मुझे सलाइन चढ़ा के वहीं शूटिंग मेरा क्लोज लिया जाएगा। और दादी माँ, मैं जब घर आ रही हूँ तो बोलती हूँ दादी माँ मैं आ गई, बोलती बतावा 18 घंटे शूटिंग करे लूँ और जिला जवार में कहूँ के पते नहीं थे। मैं मतलब एंड गलती से मुझे किसी दिन ऑफ मिल गया, तो मुझे दोपहर को बैठा के दिनेश जी की फिल्में दिखाती थी, एक परिवार फिल्में दिनेश जी की जी, वो फिल्म इतने बार मुझे मेरी दादी ने दिखाई है जबरदस्ती। शी वॉन्टेड मी टू डू भोजपुरी फिल्म, लाइक दैट्स इट, ये एक भोजपुरी फिल्म करके दादी माँ को दिखा दूंगी एंड देन आई विल गेट बैक यू नो टू माय सीरियल्स एंड आई विल कैरी ऑन विद माय लाइफ। फिर एक फिल्म की मैंने, और सौभाग्य से वो फिल्म इतनी चली कि फिर मुझे वापस जाने का मौका ही नहीं मिला कभी। मिली कैसे? बिग बॉस में दिनेश जी गए थे, वो किस्सा भी मैं जानना चाहूंगा जरूर आपसे। एक्चुअली क्या था ना, बिग बॉस में दिनेश जी गए थे, उनके साथ गए थे संतोष शुक्ला जी, एक आपको याद होंगे अगर, और संतोष शुक्ला जी और दिनेश जी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। संतोष शुक्ला जी को मैं ऐसे जानती थी क्योंकि हम लोग ने एक सीरियल साथ में किया था जिसमें मेरे बड़े भाई बने थे, उसका सिर्फ मॉक शूट किया था मैंने, वो पास भी नहीं हुआ चैनल में, लेकिन संतोष जी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। हम लोग ने साथ में इवेंट्स भी किए थे लखनऊ में कई सारे, तो उनसे मैंने डिस्कस किया था कि यार देखिए इतना मैं मेहनत करती फिर भी मेरी दादी माँ का कहना ये है। तो जब वो बिग बॉस के घर से बाहर निकले उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि यार मैं घर से निकला, मेरी जितनी दोस्त थी जितने लोग सबका फोन आया, तुम्हारा कॉल नहीं आया। मैं बोला ऑनेस्टली मैं बिग बॉस कभी फॉलो नहीं करती हूँ संतोष जी, आपका भी मैंने 3-4 एपिसोड्स देखा था, पता नहीं मुझे बड़ा नेगेटिव वाइब्स लगता है बिग बॉस का, तो मैं ज़्यादा देख नहीं पाती हूँ। मुझे ऑफर भी करते हैं जब लोग कि आप आइए ये सीज़न करिए,
सीजन 13 से अभी तक ऑफर करूँ, मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाती। तो मैंने उनको कहा मैं देख नहीं पाई, आई एम सो सॉरी, एक दो एपिसोड्स मैंने आपके देखे। तो मैं बोला निरहुआ याद है? तो मैं बोला जी जी जी, वो उनको देखा मैंने आपके साथ, आप लोग की काफ़ी अच्छी दोस्ती थी वहाँ पर। तो बोले कि वो अपनी फिल्म के लिए कास्टिंग कर रहे हैं और उन्होंने मुझसे पूछा है कि कोई इंटरेस्टेड है क्या करने के लिए, तो आपने अपनी ग्रैंड मदर का बताया था, तो फिर मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ सबसे पहले कि आपको करना है क्या। तो मैं बोला जी बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे दिनेश जी का नंबर दिया, मैंने दिनेश जी से बात की, दिनेश जी ने बोला आपने क्या काम किया, मुझे कुछ लिंक शेयर करिए। मैं अपना लिंक शेयर की यूट्यूब का, मैं सो गई। मैं सो गई, दिनेश जी पूरी रात देखते रहे मेरा सीरियल। अच्छा। वो बताते हैं कि मैंने 9:30 बजे शुरू किया आपका सीरियल देखना और मैं सुबह के 4 बजे तक देखता रहा, और सुबह 4 बजे ही मैंने डायरेक्टर को फोन किया सब भोर में कि मिठाई लेके आइए सर, आपकी हीरोइन पक्का आज फाइनल हो जाएगी। तो बोले कहाँ सर, आप लोग तो रोज 350 लड़कियों का शायद ऑडिशन ले चुके थे। हाँ, बहुत सारी लड़कियों का ऑडिशन हुआ था। तो जब मैं गई, नेक्स्ट डे मीटिंग हुआ, एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड, आई साइन द फिल्म, एंड देन द रेस्ट इज हिस्ट्री बाय गॉड्स ग्रेस। दिनेश जी के साथ आपने इतना काम किया, मैं जिस भी भोजपुरी स्टार से बात करता हूँ ना, एक ही उनके बारे में एक लाइन जरूर बोलते हैं कि उनसे हम्बल शख्स इस पूरी इंडस्ट्री में नहीं। आपने इतना काम किया, आई वांट टू नो हाउ यू, आप उन्हें एज अ पर्सन कैसा देखती हैं? एक्चुअली मैं दिनेश जी को ना बहुत अलग नज़रिए से देखती हूँ। एक होता है कि इंसान हम्बल है तो कई बार कोई ये सोच सकता है कि दिखा रहा होगा। मैं उनको इतना पर्सनली जानती हूँ कि मुझे ये बात पता है कि ये उनकी संस्कृति में है, ये उनका उनका बिहेवियर ही ऐसा है, वो बनावटी करते नहीं हैं। आप उनको 24 घंटे में किसी समय पे आप उनको बोल दो, वो ऐसे ही रहेंगे। एंड व्हेन ही लूजेस इट वेरी बैड। ये शांत लोग ऐसे होते हैं, शांत लोग ऐसे होते हैं, मतलब इफ ही लूजेस इट ऑन समथिंग और समवन, तब तो फिर उस इंसान को, उस परिस्थिति को भगवान बचाए। लेकिन ऐसे वो उनके स्वभाव में, वो सच में दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं और वो सच में सबका हित सोचते हैं। जैसे आप किसी से बैठ के बात करो तो उसके बात करने के तरीके से आपको पता चलता है कि इसके मन में जो चल रहा है क्या वही इसके जबान पर है। तो दिनेश जी के मन में भी लोगों के लिए अच्छा चलता है और उनकी जबान पर भी लोगों के लिए अच्छा है। और एक उनके बारे में हम खूब सुनते हैं कि इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए भी खूब कुछ करते रहते हैं। जैसे मान लो दो सितारों के बीच विवाद हो, जैसे मैंने कहा पवन सिंह और खेसारी के बीच, तो वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं चीज़ों को कूल डाउन करने की, सेटल डाउन करने की। बिल्कुल, क्योंकि वो उनका खुद का स्वभाव है, वो किसी के भी साथ बैर खुद नहीं रखते, तो चाहते हैं कि बैर हो भी नहीं लोगों में। लेकिन और कई लोग उनकी बात मानते भी हैं, उस चीज़ का बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग दिनेश जी के बर्ताव का। दिनेश जी ने अगर कोई बात कही है तो उस बात को लोग मानते हैं, उनकी उनकी बात को तवज्जो देते हैं। तो दिनेश जी ने हमेशा ही ट्राई टू मेक दिस प्लेस बेटर फॉर वीमेन ऑल्सो। इफ यू गो टू सी, दिनेश जी ने किसी इंटरव्यू में कभी भी किसी भी को एक्ट्रेस के बारे में ऐसे बात नहीं कर रही है कि अरे मेरी को एक्ट्रेस पाखी, या अरे मेरी को एक्ट्रेस आम्रपाली, अरे मेरी को एक्ट्रेस अंजना। इट हैज़ नेवर हैपेंड। ही विल ऑलवेज स्पीक अबाउट वुमेन वेरी ग्रेसफुली, एंड दैट इज़ द रीज़न उनके वो सेट पे आज आई एम इज़ वेरी डियर फ्रेंड। मैं उनको दिनेश बुलाती हूँ, वो मुझे आम्रपाली बुलाते हैं, बट ऑन सेट कभी भी उन्होंने मुझे या तो मैडम बुलाया या आम्रपाली जी बुलाया। एंड आई आस्क्ड हिम आल्सो अ फ्यू टाइम्स कि ऐसे क्यों कर रहे हो आप? तो बोलते हैं कि मैं अगर आपको आम्रपाली बुलाऊंगा ना तो मेरे यूनिट में जितने लोग हैं वो भी सोचेंगे कि मैं आपको कैसे डिसरिस्पेक्ट करूं, वो भी अपना तरीका से आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो किसी औरत के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। सो ही हैज़ मेड दिस प्लेस वेरी सेफ एंड वेरी नाइस फॉर वुमेन ऑल्सो। एंड ऐसे लड़ाई झगड़े में तो हमेशा, और एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने इंडस्ट्री में शुरू की है, ही हैज़ मेड दिस स्मॉल लिटिल ग्रुप, अदर पीपल हैव मेड द ग्रुप, ही वॉज द वन हु एनकरेज्ड द ग्रुप अ लॉट। तो अब हमारी इंडस्ट्री में कोई भी टेक्नीशियन या कोई भी कैरेक्टर आर्टिस्ट या कोई भी आर्टिस्ट टेक्नीशियन, सारे डिपार्टमेंट में से किसी को भी अगर कुछ तकलीफ होती है, कुछ ऐसा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया जो वो अकेले नहीं मैनेज कर सकता, तो उस ग्रुप पर ये बात जाती है और उस बात की वजह से सब लोग मदद करते हैं, हर कोई मदद करते हैं और उनकी मदद आसानी से हो जाती है। हमने ये भी सुना कि जब आपने उनके साथ पहली फिल्म की तब तक वो इतने सॉफ्ट थे कि आपको पता ही नहीं चला वो कितने बड़े स्टार हैं, जब प्रमोशन पे गए तो आपको पता चला कि क्या है उनका स्टारडम। बिल्कुल, एंड यू नो व्हेन यू यूज्ड टू टेल मी, पीपल यूज्ड टू टेल मी कि यू नो बहुत बड़े स्टार हैं,
और ये पिक्चर तो आग लगा देगी, ये कर देगी, वो कर देगी. कितना कोई खुद की लाल कर सकता है यार. मैं उनको बहुत चिढ़ाती थी, नाम में लाल है तो खुद की लाल करते रहेंगे आप लोग. प्रवेश जी कर उनको, आई डिड नॉट नो हु दीज पीपल आर. मतलब ये मुझे पता था कि इज अ वेरी बिग सुपरस्टार, लेकिन जब तक आपने वो खुद देखा नहीं, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आप उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, आप उसको महसूस ही नहीं कर सकते. लेकिन जब मैं 50 डेज फिल्म के 50 डेज पे दिनेश जी के साथ गई, ओ माई गॉड, पीपल आर क्रेजी ओवर हिम. मतलब बिहार में तो ऐसा लगता है कि ओ गॉड. तब मैं देखा, बोला शिट यार, मैं तो बहुत हल्के में ले रही थी, सॉरी शिट यार नहीं, मतलब मैं बहुत हल्के में ले रही थी यार इनको, ये तो बहुत कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट आदमी निकले इधर के लिए. दैट इज़ व्हाट आई वाज थिंकिंग. लोग ऐसे चढ़ते थे गाड़ी पे, आई एम सिटिंग इन द कार, दिनेश जी गाड़ी के बोनट पे खड़े हैं, बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल, उनको दिख ही नहीं रहा हीरो. थिएटर के बाहर 20-25 हज़ार लोग हर थिएटर के बाहर होते थे. अंदर तो जितना सीटें तोड़नी थी वो तो तोड़े ही, थिएटर के बाहर इतने सारे लोग होते थे. तो तब जाके मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अच्छा ये बात है, इनमें ये बात है. और दिनेश जी ने मुझे वहीं पर कहा था कि ये मेरे लिए हो रहा ना, आप कहीं लिख के ले लीजिए, आप अपना काम शिद्दत से करिए और अपना स्वभाव अच्छा रखिए, आज से 3 साल के अंदर ये आपके लिए होगा. मैं उसी पे आ रहा था. आपने सीरियल्स किए, खूब कामयाब सीरियल से, उस वक्त सीरियल्स का दौर था. फिर एक स्टारडम वो था, एक स्टारडम ये है. अभी हम देख रहे हैं आप अयोध्या में शूटिंग कर रही थी, रोड जाम हो गई थी पूरी, तो दोनों में क्या फ़र्क लगा? तो वो जो पर्दा होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है, उसकी दीवानगी ही अलग होती है. जैसे आज मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं टेलीविज़न के बहुत सारे एक्टर्स को बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन जब बात अजय देवगन की हो या बात सलमान खान की हो या बात शाहरुख खान की, तो क्योंकि आपने उनको ऐसे देखा है ना, ऐसे पूरे में हाई स्पीड में अगर टर्न भी करते हैं अजय देवगन, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ मुझे देखा है. तो वो उस पर्दे की जादूगरी अलग होती है और उसका जादू चलता भी अलग है. तो मैं टेलीविज़न के लिए बहुत थैंकफुल हूँ. मैंने एक्सपीरियंस वहीं से लिया है. यू नो वैन यू आर इन टू अ टी वी सीरियल, आपको हर रोज़ अपने हर एक्सप्रेशन पे काम करना, मेड बी क्राइंग, मेड बी बींग हैप्पी, सारे एक्सप्रेशन पे आपको डेली काम करना पड़ता है. एक्सप्रेशन भी वैसे होते थे ना, क्या क्या क्या, 3 बार वो दिखाते थे, वो दौर था सीरियल्स का, है ना, चिजिंग चिजिंग चिजिंग, ऐसे शॉर्ट्स लेते थे सब. तो मुझे सीरियल ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे बहुत प्यार भी मिला लोगों का. आई स्टिल रिमेंबर, आई स्टिल हैव दीज फैन पेजेस विच वर मेड फॉर मी इन पाकिस्तान. आज भी मेरे फैन पेजेस आम्रपाली दुबे फैन पेज फ्रॉम पाकिस्तान. सो मुझे ऐसा रीच दिलाया सीरियल ने. बट जो अगर जनता को पागलपन की हद तक प्यार हमसे हुआ तो फिल्मों के बाद. फिल्मों, अच्छा कभी कोई बहुत क्रेजी फैन मिला जो याद हो कि भाई ये तो बिल्कुल ही एकदम? आई एक्चुअली गॉट अ गाय हु वाज वेरी यंगर, मतलब मुझसे 7-8 साल छोटा था वो बच्चा, वो 20-20 साल का लड़का. ये एक्चुअली केम विद अ 5-पेज, अभी की बात, इस शूटिंग की बात है, इस अयोध्या में, अयोध्या में ये फिल्म की शूटिंग आज से 6 दिन पहले. इस शूटिंग पे क्या क्या हुआ है मेरे साथ, मेरी ज्वेलरी की चोरी हो गई. हाँ, और उससे 1 दिन पहले ये हुआ था. सुनिए, एक 18-20 साल का लड़का आया, बोला मैं 4 साल से आपको पसंद करता हूँ मैडम, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, और ये मैंने लव लेटर आपको लिखा है. मैं 4 साल पहले ही आपको बोलना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मैं कुछ बनूंगा, तो अब मैं अग्निवीर की तैयारी कर चुका हूँ, मेरा हो गया है सब, अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ. लाइक बेटा फोटो ले लो और जाओ देश की सेवा करने पर ध्यान दो यार, क्या कर रहे हो तुम. बट इट वॉज सो शॉकिंग एंड इट इज लाइक पुअर थिंग. मैं बोला आपकी वाली जब आएगी ना तो पूरी दुनिया देखेगी, आप कहाँ चिंता में, आप आइए फोटो लीजिए. बोलते नहीं, प्यार एक ही बार होता है मैडम, दोबारा नहीं होता. अरे यार, बट ही वाज सो क्यूट या पुअर थिंग. तो वो एक, ये मेरे साथ एक ही बार हुआ है, मुझे किसी ने शादी के लिए बोलने की हिम्मत नहीं की है. एंड एक बार और, हम लोग बिहार में ही कोई फिल्म प्रमोट करने गए थे, उस लड़के का तो मुझे नाम भी याद है, और हम लोग थिएटर से निकले गाड़ी में बैठ के. तो जो फर्स्ट यू नो 500 मीटर्स हम लोग स्लो चलते हैं, बिकॉज मार्केट प्लेस में होता है थिएटर्स और गाड़ी के आसपास भीड़ होती है, तो हम धीरे धीरे निकलते हैं. वो एक बार क्रॉस हो जाता है तो स्पीड पकड़ते गाड़ी.
जैसे हमने मार्केट एरिया क्रॉस किया, हम थोड़ा स्पीड पकड़ने का, क्या है रोड पे, क्या है, हमने देखा तो एक लड़का ऐसे लेटा हुआ था रोड पर आसमान की तरफ देखते हुए। तो गाड़ी उसके थोड़ा पहले रोकी गई, हम लोग उतरे, मैं बोला भाई क्या हुआ, आप लोग सेल्फी दीजिए मुझे। मैं भी अच्छा तो ऐसे रोड पे क्यों लेटा, बोलता नहीं अगर सेल्फी नहीं देंगे तो आप लोग को मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा। सेल्फी के लिए लाश से गुजरना पड़ेगा। ओह गॉड, ओह गॉड, उसका नाम था साहिल हिंदुस्तानी। उसने निरहुआ हिंदुस्तानी देखने के बाद अपने नाम के आगे हिंदुस्तानी लगाया था, साहिल हिंदुस्तानी जी। अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो हमको आपकी हरकतें याद है, प्लीज दोबारा ऐसा किसी के साथ मत करिएगा। तो दीज आर अ फ्यू, यू नो, ये लोग, इनको वो मिला है पागलपन की हद, पागलपन की हद का वो बैच टैग मिला, हाँ, टैग मिला हुआ ये लोग। यहाँ का सामान वामान कैसे चोरी हो गया, इतने हेडलाइंस हमने पढ़े। अरे यार डोंट आस्क। 28 तारीख है ना, कल मम्मी को एक शादी में जाना था, तो मम्मी पापा शादी में जाने के लिए आने ही वाले थे। तो मैंने कहा ज़्यादा तेज बन के कि आप लोग 4-5 दिन पहले आ जाओ मम्मा और मेरे साथ रहो, हनुमानगढ़ी दर्शन करो, राम जन्मभूमि दर्शन करो, सब जगह अच्छे से दर्शन करो, फिर जाना शादी में, थोड़ा टाइम रुक के जाओ, फिर आगे ठंडी पड़ जाएगी तो आप आ भी नहीं पाओगे। मेरा ये दिमाग नहीं चला कि उन शादी में जाने के हिसाब से आएंगी, तो अगर ऐसे आएंगी तो सुबह की फ्लाइट पकड़ेंगी मुंबई टू गोरखपुर, शादी अटेंड करेगी, नेक्स्ट डे वापस चली जाएंगी। लेकिन यहाँ आई तो अपना सारा गहना शादी में जो पहनना था वो लेकर आई हैं, और मुझे बिल्कुल भी ये ख्याल नहीं था कि यार ऐसा भी हो सकता है, यू नो, कोई इमेजिन भी नहीं करेगा कि ऐसा हो सकता है। तो मैं सुबह पापा को 6 बजे थायराइड की उनकी दवाई देने के लिए गई, दवाई दे के वापस जब अपने कमरे में आई, जिस कमरे में मैं और मम्मी रह रहे थे, तो वहाँ पे आई तो मैं अपना लैच, डोर को लैच करना भूल गई, और चोरी भी हुई सुबह 6:40 पर। हम लोग ने CCTV फुटेज देखा था, चोर वॉज बींग सो स्मार्ट, वो सोच रहा था कि मैं बहुत शाणा हूँ और वो सोचा कि दिन दहाड़े चोरी करूँगा, किसी को शक नहीं जाएगा। तो आया वो कमरे से सब, लेकिन द थॉट स्टिल क्रीप्स मी आउट कि मेरे गर्दन के पास से फ़ोन लिया होगा एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे बहुत डर लगता है, मैं अभी भी उस बारे में याद करती हूँ। तो आई वोक अप, मैंने देखा पर्स नहीं है, फ़ोन नहीं है, मम्मी के दोनों फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन नहीं है। वी मेड अ कॉल टू द पुलिस, आई कॉल्ड दिनेश जी फर्स्ट बिकॉज आई न्यू इफ ही इज़ गोइंग टू कॉल द पुलिस तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड इट वॉज, मैं अभी मैंने जब बाद में अनुमान लगाया तो 22-23 लाख का तो सिर्फ मम्मी का गहना था, और जो हम लोग के तीनों फ़ोन थे वो अलग, आईफोन 13 था एक, उसमें एक और आईफोन था, एक सैमसंग का वो फोल्ड वाला जो था वो था। तो इट वॉज़ अ शॉकर। फिर हम लोग नीचे गए, जब तक मैं नीचे उतरी पुलिस आ चुकी थी, 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई थी। यूपी पुलिस ने तो जो काम दिखाया है, मैं मतलब फैन हो गई एकदम, जो सिंघम सिंघम टाइप, हाँ, पुलिस एट वर्क, पुलिस कोऑपरेट वाला इन लोग का मोड था, फुल यूपी पुलिस का, आई एम रियली वेरी थैंकफुल। और उन लोगों ने ट्रैक करना, ट्रेस करना, जिस भी तरीके से उनका होता है वो सब करना, उनको फाइंड आउट करना, सब करके मेरा सामान वापस मेरे सामने 24 घंटे के अंदर रख दिया। इसके लिए तो एग्जैक्टली, अब मैंने तो सोच लिया, मैंने सोच लिया कि मैं एक फिल्म बनाऊंगी, सिंघम टाइप की फिल्म बनाऊंगी यूपी पुलिस, सीरियसली। और मैं कब से चाह ही रही हूँ कि मैं अपना यू नो प्रोडक्शन हाउस शुरू करूँ और यू नो एज अ प्रोड्यूसर डेब्यू करूँ, तो अब मैं चाहूंगी कि मैं पहली फिल्म यही बनाऊँ, ऐसा ही कोई टाइटल भी मैं रजिस्टर करवाऊंगी सिंघम टाइप का यूपी पुलिस के लिए और बनवाऊंगी। अच्छा ये बताइए, आम्रपाली दुबे को लाइफ में पहली बार प्यार कब हुआ था? नाम नहीं पूछूंगा किससे हुआ था। नहीं नहीं, नाम पूछिए ना, वो जानता है लड़का। अच्छा ठीक है, फिर नाम भी बता दीजिए। मुझे स्कूल में पहला प्यार हुआ था, 5th या 6th स्टैंडर्ड में। जल्दी नहीं हुआ? अब लड़का ही इतना प्यारा था, अच्छा, क्या किया जाए। क्या नाम अभी तो नाउ ही इज डेटिंग समवन, ही इज लिविंग इन अनदर कंट्री एंड ही इज वेरी हैप्पी। पर आज भी उसकी फोटोज कभी कभी देखती हूँ उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, तो सोचती हूँ एक बात, His name was Ankit. Everybody knows it was a big thing in school. भाई अंकित, you are a very lucky man. आम्रपाली दुबे आपकी फोटो देख के ऐसे कर रही है, मतलब और क्या चाहिए? But वही था, मैं बहुत दीवानगी तक, मैंने बेंच पे डिवाइडर होता ना, राउंडर डिवाइडर, बेंच पे अंकित का नाम अपने नाम के साथ लिख दिया था, उसके लिए सस्पेंड हुई थी, बहुत मार खाई थी, फिर भूत उतर गया प्यार का। मतलब लगता है बड़ा सॉलिड प्यार था जो आज भी फोटोज देखी जा रही है। नहीं नहीं, हम लोग के स्कूल के जितने लोग हैं सब एक दूसरे को फॉलो करते, तो वो भी दिख जाता है कभी कभी। बट
he's a very good friend now and he's really happy. Acha, you are in touch with him? Yes, yes, I am. And his girlfriend is also very nice, very cute, and she both of them love each other a lot. I'm very happy for them. तो यही था, वही था मेरा पहला प्यार, जिसकी वजह से बहुत कुटाई थी मैं, घर पे भी कुटाई थी, स्कूल में भी कुटाई थी. तो तब से प्यार का भूत एकदम उतर ही गया. उसके बाद मैंने सोचा कि इतना मार खाना है तो सिर्फ सलमान खान या अजय देवगन के लिए खाया जाएगा, फिर जीवन में इतना मार हम किसी के लिए नहीं खाएंगे. तो पर्दे का जो हीरो पसंद है वो सलमान खान या अजय देवगन? अजय देवगन. अजय देवगन. अजय देवगन. अजय देवगन इज दृश्यम. देखी आपने तू? अब देखने जाने वाली हूँ, कल मुझे छुट्टी मिलेगी. शानदार फिल्म है, पक्का होगी. I met अजय देवगन इन गोवा रिसेंटली फॉर दृश्यम 2 प्रमोशंस. उनकी सिनेमा को लेके जो नॉलेज है, मतलब अब तक मुझे सिर्फ एज एन एक्टर मैंने देखा था उनको. ही वाज डिस्कसिंग, वो एक इनफॉर्मल मीट थी. मतलब उनकी, उन्होंने एग्जैक्ट रीजंस बता दिए कि ये फिल्म क्यों चली और ये फिल्म क्यों नहीं चली. एंड वी वर लाइक स्टंट कि भाई क्या बनना है. एंड ही इज सच अ गुड परफॉर्मर. मुझे भी उनका डायरेक्शन और वो सब, जब मैं रनवे वो देख रही थी 34, इतनी बारीकी की समझ है उनको. आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिम. उनके एक्टिंग की तो फैन में पहले से ही थी. बिलीव नहीं करेंगे, खाकी पिक्चर में मुझे बाकी सबसे अच्छे अजय देवगन लगे थे. व्हेन ही वाज प्लेइंग अ नेगेटिव कैरेक्टर, काल पिक्चर में मुझे अजय देवगन जी सबसे अच्छे लगे थे. सो इनफैक्ट अजय देवगन वाला एक किस्सा मैं आपको बताऊंगी तो आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे. एक गाना हम लोगों को करना था जो मैं और प्रवेश जी शूट कर रहे थे. प्रवेश जी दिनेश जी के छोटे भाई, उनके साथ मैंने अभी अभी एक फिल्म की है, फिल्म का नाम है साजन. तो उसमें एक बहुत ही रोमांटिक ट्रैक था और प्रवेश जी ऐसे मेरे पास कांपते हुए आते थे जब भी शॉट में उन्हें मुझे हग करना होता था. ऐसे थोड़ा सेंशुअल गाना था तो जब मुझे ऐसे हग करने आते थे कांपते रहते थे, बोलते थे सॉरी यार, सॉरी. बोलते आप क्यों ऐसे कर रहे हो, मुझे कॉन्शियस हो रहा है. तो उस गाने में ना मेरा क्लोजअप लेना था ऐसे, ना मैं अपने बाल ऐसे कर रही हूँ, आई एम लुकिंग एट द कैमरा लाइक दैट. लिटरली मेरे कोरियोग्राफर ने मेरे अपने टैब पे अजय देवगन की एक ऐसी फोटो जूम करके रखी हुई थी. एंड आई लुक एट द फोटो और मैं एक्सप्रेशंस दे रही थी. ये तो मतलब सही वाला है ये तो. तो हाँ, तो अजय देवगन की वैसी डाई हार्ड फैन हूँ मैं. अच्छा, एक रैपिड फायर जी. मैं कुछ एक्टर्स का नाम लूंगा, एक एक वर्ड या एक एक लाइन उनके बारे में आप मुझे बताइएगा कि व्हाट यू थिंक ऑफ देम. ओके. अजय देवगन. जान. चिंटू जी. क्यूट. निरहुआ जी. अ ट्रू फ्रेंड. पवन सिंह. स्कैरी समटाइम्स. ऐसा क्यों? अरे कभी कोई आता है और पंडित जी का हाल बा, मैं ही डर जाती हूँ. मुझे ही ग्रीट कर रहे हो, मैं डर जाती हूँ. ठीक है, आप ठीक हो ना? ओके. नहीं वैसे मैं मिला हूँ, मतलब वो इज वेरी वार्म एंड वेरी नाइस पर्सन, बट ही इज वेरी मूडी. एक्चुअली scary sometimes, नहीं, moody. एक बार हम होली का शूट कर रहे थे उनके साथ, तो बोले अमित बाबू अभी पहले ना हम सोएंगे, हमको नींद आ रही है. वो बताइए कहा सर सेट वेट लगा है. नहीं नहीं, अब जब तक हम सोएंगे नहीं ना तो हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. और उनका नींद, वो सो गए, वो नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, सब इंतजार कर रहे हैं. मिस्टर पवन सिंह जी अपना नींद दुनिया में किसी के लिए नहीं छोड़ेंगे. नहीं अच्छी बात है, तो हम सब इंतजार कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद वो उठे, अरे भाई भैया बहुत लेट हो गया, माफी ये वो. उसके बाद लेकिन उन्होंने जो परफॉर्म काम करके जो दिया, मतलब सब जो परेशान हो रहे थे ना कि यार उठ नहीं रहे, मतलब सब लोग इतना खुश हो गए. तो अल्टीमेटली उन्होंने इतना पावरफुल परफॉर्मेंस दिया. पवन जी को सुनना, मुझे जो लगता है, मैं जो मानती हूँ उनके बारे में, पवन जी की आवाज कान में पड़ना, ये एक तरह की अलग आराधना लगती है मुझे. मैं अपना बता रही हूँ, I love listening to him so much. कि मेरे लिए it is a sort of meditation. जैसे लोगों के लिए अरिजीत जी की आवाज है, जुबिन जी की आवाज है, वैसे मेरे लिए पवन जी की आवाज है. मैं उनकी जब आवाज सुनती हूँ तो मुझे लगता है कि I'm in another world now. और अब मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता, because I'm so happy. मैंने पहली बार live performance देखा था उनका और सुने थे भोजपुरी गाने. हमें कुछ बोल शायद समझ में नहीं आ रहे थे, but all were enjoying. हम लोग सब हिंदी न्यूज चैनल का क्राउड था, सबके सब मतलब अपनी जगह पे खड़े 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 जो है नाच रहे. नाउ वन वर्ड फॉर कल्लू जी. कल्लू जी इज आल्सो वेरी क्यूट. अब ये सब क्यूट हैं तो मैं क्या करूं. नहीं ठीक है, कोई बात नहीं. चिंटू जी क्यूट है, कल्लू जी क्यूट है. एंड खेसारी. खेसारी जी इज फनी. एंड नाउ वन वर्ड फॉर आम्रपाली दुबे. ऑल इन वन. ऑल इन वन. वाह ये.
थैंक यू सो मच अमरपाली जी, थैंक यू, इट वाज फन टॉकिंग टू यू, थैंक यू यू गाइस फॉर वॉचिंग अस, प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहिए, आशीर्वाद देते रहिए कि हम लोग अपनी आखिरी सांस तक आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहे, बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि अब इनकी शूटिंग है भाई यहाँ पे, तो हम और ज्यादा वक्त लेंगे नहीं, बाहर बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, तो अगली बार फिर मिलेंगे और इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे, सेकंड पार्ट में बहुत सारी बातें, अंकित के बाद हम सेकंड क्रश की बात करेंगे, अरे ये टीजर भाई साहब, इससे बढ़िया टीजर हो नहीं सकता, अंकित के बाद सेकंड क्रश की बात करेंगे अगले इंटरव्यू में, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।